देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। एनबीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का खास और विशेष प्रोग्राम। दोस्तों, मैं आपको लाया हूं सहारनपुर बुटेश्वर मंदिर में और यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से जन्माष्टमी का प्रोग्राम को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मंदिर की कमेटी के यहाँ पर मंत्री मौजूद है आशुतोष जी, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि दो साल कोविड रहा, सभी धर्म बंद रहे, लेकिन कांवड़ चला, कांवड़ के बाद आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, उसके बाद दिवाली भी मनाई जाएगी। आशुतोष जी, कैसा लग रहा है? देखिए, दो साल के बाद जो भी त्यौहार आता है उसका एक अलग ही उत्साह होता है और आप लोग हमारे मंदिर में देख ही रहे हैं श्री बुद्धेश्वर बाबा के कि कैसा उत्साह है। एक तो सेवादारों का उत्साह भी इतना था कि लगभग हमारे सेवादार 3 दिन से इस कार्यक्रम को जोड़ने में लगे हुए थे, जिसमें सारे के सारे सेवादार दिन रात अपनी मेहनत से इसे सजाया, दरबार को सजाया, भोले बाबा के दरबार को सजाया और आज इतना सुंदर रूप दिया है। मंदिर के जो मंत्री हैं बता रहे थे कि आज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और मैं देख रहा हूं कि यहां सामने ही रासलीला भी मनाई जा रही है। महिलाएं रासलीला में मगन है, पुरुष मगन है और बता रहे हैं कि व्रत रखा जाता है और व्रत महिलाएं भी रखती हैं और पुरुष भी रखते हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं सहारनपुर में इस वक्त बुटेश्वर मंदिर में हूं और मेरा कैमरामैन मेरी साथ अंदर तक का दृश्य दिखा रहा है कि यहां पर जिस तरह से भक्ति में और रासलीला में मगन है। बता रहे हैं कि मथुरा से कुछ आए हुए जो वृंदावन के लोग हैं और यहाँ पर जो भक्ति कर रहे हैं, मैं उस भक्ति का भी नजारा आपको दिखाऊंगा। सामने अरे दर्शा जो
नाम क्या है सर? मेरा नाम शेखर के भी है। मंदिर की कमेटी में क्या है? सेवादार हूँ। सेवादार हैं आप? अच्छा, इंट्रोडक्शन कराते रहे, बारी बारी परिचय। यहाँ पे हमारा निशान चढ़ाते हैं, काठी चांदी का निशान चढ़ते हैं। कुछ लोगों को श्रद्धा होती है कि हमें काठी चांदी के दर्शन करने हैं, लेकिन दर्शन कर नहीं पाते। यहाँ पे निशान चढ़ते हैं, निशान की हमने जगह बना रखी है, काठी चांदी का निशान चढ़ते हैं। और यहाँ पे आगे थोड़ी आगे चलते ही बाबू का पूरा दरबार में सजा रखे अच्छे से, वही दरबार जो काठी चांदी में होता है रस्सी दरबार, वही दरबार यहाँ पे आएगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, बताइए। कोविड के बाद जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कितना उत्साह? पिछली बार भी मनाई थी, बार भी मनाई थी, लेकिन पिछली बार तो मेरे ख्याल से इक्का दुक्का लोगों ने मनाई थी। यहाँ पे तो बहुत अच्छी है। अच्छा, विशेष क्या करती है महिलाएं आज के दिन? व्रत करती है। तुम पूछ भी रखते हैं अपने क्या विशेष किया? आपने कान्हा जी को सजाया है, उनको लेके आई हूँ। ये बात सही कह रही है, कान्हा जी को सजाया, इन्होंने भगवान को भोग लगाया है। अच्छा, और क्या क्या किया? ये झांकी मेरे बेटे ने लगाई है, दोस्त ने मिलके। जी जोशी शाह। तो सारा शेर महिलाएं ले जाएंगे, पुरुषों के समय कुछ नहीं आएगा? नहीं, शाम बाबा ने सबको इक्वल शेर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जन्मे थे, जैसा कंस ने एक तांडव मचा रखा था, एक आतंक था उसका, सगी बहन को उसने कारागार में डलवा दिया था, तो एक ऐसा दुष्ट मामा कभी सुनने में आया किसी का? मेरे तो नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता। आपके तो नहीं होने तो चाहिए ना किसी के भी, लेकिन उसकी कहानी सुनते सुनते हम लोग भी बड़ी हैरत करते हैं कि भाई एक ऐसा मामा, क्योंकि माँ का डबल मामा, और वो अपने सगे भांजे को इतना और बहनोई को इतना तड़पाड़ित कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को अपने चचेरे भाई को दे दिया और देव की यहाँ परवरिश की। तूने अपने कर्मों का फल मिल गया था, फल मिल गया कर्मों का, कर्मों का फल सबको मिलता है। आप ये बताइए, व्रत रखती हैं, व्रत में क्या मांगते हैं? हाँ जी, व्रत रखते हैं आप लोग, तो व्रत में क्या मांगते क्या है? मैं सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती हूँ। हाँ, ये तो हर महिला चाहेगी, सदा सुहागन रहे। बस मुझे मैंने ये सुहाग बना रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और इन्होंने तो कह के कलम तोड़ दिया, जैसे जज डेड फाइनल करके अपना कलम तोड़ देते हैं, तो कहा कि मैं सदा सुहागन का ही आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ। और बिल्कुल बहुत अच्छा आशीर्वाद इन्होंने सभी महिलाओं के लिए भी मांगा है। हम कामना करते हैं आपके इस व्रत में आप बाकी सभी महिलाओं के लिए भी कामना करें और हमारे जैसे पुरुषों के लिए भी कुछ ना कुछ मांग लें। चलिए चलते हैं। हमारी सरस्वती माता ज्ञान की देवी जी को कहा जाता है, इनकी श्रद्धा से ही सब लोग खुश होते हैं, जो महिलाओं को सबको ज्ञान मिलते हैं, नीचे मिलता है। बिल्कुल, विद्या की बड़ी हमारे यहाँ मान्यता है और सरस्वती की तो हमारे यहाँ वंदना भी होती है। जी, क्योंकि हमारे संकट मोचन में बैठे हनुमान जी महाराज जी हैं, जो भी कष्ट होता है सब इनके बाद बजरंगबली जी ने कहा, बजरंगबली कहते हैं, संकट मोचन कहते हैं, जिन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, पता नहीं कितने अनेकों नाम भी कहा जाता है सर। हर चीज भैया मैं करूँ, अनेकों नाम हैं इनके तो फैमिलीज को भी। अच्छा, बताएंगे कौन कौन है? बीच में राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, और साथ में ब्रह्मपुत्र हनुमान जी बैठे हुए हैं, विराज हैं, वो राम दरबार होता है एक तरीके से, और बीच में राधा हैं, बीच में राधा जी हैं, बराबर में किशन जी हैं। आप देख रहे हैं जिनका जन्मदिन है उनका उनका स्थान भी यहीं पर इन्होंने बना रखा है बुद्धेश्वर मंदिर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वो कतार है जो दर्शन करने वाले हैं, हमने अंदर शिवलिंग देखा है और वहाँ पर खाडू राम जी का भी हमने वो देखा है जो उन्होंने बना रखी झांकी, और यहाँ पर हमने रामचंद्र जी की और सीता माता लक्ष्मण जी का भी हमने देखा है कि उन्होंने प्रतिमा बना रखी है। तो इस तरह से ये पूरी कतार अंदर जा रही है और अंदर जाकर दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। अभी हमारे मंदिर की सेवा जी कुणाल भैया, मैं देख रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत आपने पालना बनाया। ये प्रिया लाल जी के निकुंज के दर्शन है, जो निकुंज में उनका नित्य विहार होता है, नित्य विहार की एक झलक है जब वो संध्या समय रास के बाहर रास से जब वे उनको श्रम हो जाता है, थक जाते हैं, तो वे झूले में जैसे झूला झूल के अपने नित्य विहार की लीला करते हैं, उसकी प्रिया लाल की नित्य विहार की निकुंज की लीला। मैं आप
आपसे जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण से क्या हम लोग कुछ दो चार सवाल पूछ सकते हैं? ये इनका विधिवत स्वरूप धारण हुआ है, तो ये स्वरूप जो है ये मौन इसमें है। अच्छा, मौन में है पूरा विधिवत आप कह रहे हैं। यमराज जी, आप कैसे कि सबका भला कर सकते हैं? आपका काम तो प्राण हरण करना है। आप टाइम समय को जगे सभी नहीं, आपका काम तो प्राण को हरण करना है, किसी को जीवन वरदान नहीं देना है। गलत दिया जाएगा तो कभी कभी आपने किसी को जीवन वरदान दिया है? अगर दूध गलत ले आते हैं तो उनको सजा मिलती है और उनको जीवन दान दिया। गलत ले आते हैं तो उनको सजा देते हैं? अरे भाई, सही को ले जाके सजा देंगे आप? दूध को देखते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहते हैं संसार वासियों से? संसार को कहते हैं सबका भला करो। देखिए, यमराज जी मैसेज दे रहे हैं कि सबका भला करो, ताकि यमराज को सवारी देखते। आज यमराज जी, अच्छा आपके चित्रगुप्त नजर नहीं आ रहे? चित्र जो है संध्या कुंडल। यमराज जी अकेले घूम रहे हैं, चित्रगुप्त को छुट्टी दे दी आज के दिन यमराज जी किसी के प्राण हरण नहीं करेंगे, ये भी रासलीला मनाने के लिए। दो मिनट पीछे दो। अच्छा, दो मिनट पीछे। चलिए, यमराज जी ने दो मिनट मांगे, ठीक है, हमने आपको इजाजत दे दी आज यमराज जी कि आज किसी के प्राण नहीं हरण करेंगे। आज यमराज जी छुट्टी में, खुल के उल्लड़ मचाओ, दंगा करो, कुछ ही करो, भंगड़ा पाओ, दंगे को मना कर रहे यमराज जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हूँ, बुद्धेश्वर मंदिर में आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि मैं सहारनपुर से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा लाइव मैंने आपको दिखाया है। फिर से हाजिर हूँ, आपको दिखा रहा हूँ जन्माष्टमी लाइव सहारनपुर से। मैं इस वक्त बागेश्वर मंदिर के सामने मौजूद हूँ और मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। आपको दिखा रहा हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, किस तरह उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। रौनक तो बिल्कुल देखते ही बनती है। अगर आप इसके गुंबद को देखेंगे तो उसमें तिरंगे का प्रतिबिंब है, यानी कि उसमें तीन रंगों को प्रतिबिंबित करते हुए राष्ट्रभक्ति का भी प्रतीक है। आप ये बताइए, आप तो क्योंकि आप महिलाओं का नेतृत्व करती हैं, कल आप व्रत रखेंगी? मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, जैसी ईश्वर। देखिए, सभी दर्शक महिलाएं देख रही हैं आपको, देश की महिलाएं देख रही हैं, और आप क्योंकि नेतृत्व करती हैं महिलाओं का, आप व्रत आप नहीं रखेंगी क्योंकि आपके तो हस्बैंड भी खड़े हैं आपके बगल में। मेरे जीवन में जो भी होता है वो सडनली होता है। आप तो व्रत रखेंगे अपने संगनी के लिए? रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, रख भी सकते भाई। एक स्वागन को क्या चाहिए, उसका पति स्वस्थ रहे, जीवित रहे, और उसी के लिए आप व्रत रखती हैं। एक्चुअली दो मौके एकदम इकट्ठे आ गए, 15 अगस्त और उधर जन्माष्टमी। इसको हमारे सहारनपुर की पूरी जनता इतने जोशों खरोश से मना रही है कि वो देखते ही उत्साह बनता है, और मैं ईश्वर का लाख शुक्र करती हूँ कि उसने ये दिन हमें दिखाया। मैं तो यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने आप को भी स्वस्थ रखो, परिवार को भी स्वस्थ रखो, और किसी भी प्रकार की बुराई से अपने आप को दूर रखो, और अपने परिवार को एक सही मार्गदर्शन देते हुए, उन्हें सही गाइडेंस देते हुए इस राष्ट्र के
उन्नति में सहयोग देने के लिए वो एक प्रेरणा दें, मतलब उन्हें राष्ट्रभक्त बनाए, के अंदर इतनी शक्तियां थी। ये बताइए क्या किसी का मामा इतना जालिम हो सकता है कि अपने अपनी सगी बहन को कारागार में डलवा दे, अपने बहनों पर अत्याचार करे? इसके पीछे भी एक कारण है, यदि उनके मामा जालिम ना होते तो कृष्ण की शक्तियों का पता कैसे लगता, ये बताइए। यदि बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का पता कैसे पता लगेगा? अगर उनके मामा जी ना होते ना तो उनकी सारी शक्तियों का पता ही नहीं लगना था, ये उनके मामा की बदौलत उनकी सभी शक्तियों का पता लगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से हमने पुराणों में देखा है कि श्री कृष्ण वध करने के लिए कंस का जन्मे थे। अच्छा बताया जाता है कि रासलीला की जाती है और वृंदावन में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, झूला लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को, आपने ऐसा कुछ किया है? हाँ मैंने बिल्कुल किया है, मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि मेरी आस्था श्री कृष्ण के प्रति पूरी है और मैं उन्हें एक पूरी अनन्य भक्ति के साथ उनकी सेवा करती हूँ और उनको एक बच्चे के रूप में ही देखती हूँ और हर माँ चाहती है कि मेरी गोद में कृष्ण जैसा लल्ला हो। रासलीला का जो असली जो उसके पीछे जो वो था ना तात्पर्य, वो ये था कि जो उनकी अनन्य सारिकाएँ थी, भक्त थी, वो उनका ये एक स्वप्न था कि हमारे साथ कृष्ण जी लीला करें, उन्होंने इस प्रकार का वरदान मांग रखा था, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो इस तरह से लीलाएं करते थे। बागेश्वर महाराज जी का मैं मंदिर ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ। सहारनपुर से मैं बागेश्वर महाराज जी के मंदिर में आपको लाया हूँ और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मैं आपको सहारनपुर से लाइव दिखा रहा हूँ। Thank you.
और ये सहारनपुर से बागेश्वर महाराज के मैं आपको मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। इस वक्त NBD न्यूज़ पर मैं मौजूद हूँ, भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी पे मैं मौजूद हूँ बागेश्वर महाराज जी के मंदिर में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, ताता लगाकर बारी बारी दर्शन कर रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ, पैरों में महंगी रोटी ना लगी हुई है। देखिए मंदिर का मैनेजमेंट इतना शानदार है कि किसी भी व्यक्ति को रुकने नहीं दे रहे हैं। Thank you.